जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में हमेशा कोई नई डिवाइस लेकर आते हैं और आज भी हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस है जिसे हम आज डिस्कस करेंगे। सर, इस मार्केट इनसाइड अपडेट्स की एक न्यू एपिसोड के साथ में हूं गोल और आप देख रहे हैं फोनवर्ड लाइव। वेलकम टू आवर शो। अवेयर्स, यहीं से हम अपनी डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं और हमारे साथ हैं एज लाइक ऑलवेज मोहम्मद रिजवान। थैंक यू रिजवान फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। सो फ्रेंड्स, आज हम जिस डिवाइस को डिस्कस करेंगे ये सैमसंग की न्यू लॉन्च डिवाइस है जिसका नाम है J7 Max। इससे पहले जो डिवाइस आई थी दैट वाज J7 Pro। और रिजवान से मेरा क्वेश्चन ये है कि J7 Pro जो कि इससे थोड़ी एक्सपेंसिव डिवाइस है, इसमें फीचर्स बहुत अच्छे हैं लेकिन ये प्राइस में थोड़ी सी उससे कम है, ये क्या फिलॉसफी है? उस डिवाइस के स्पेक्स भी इतने अच्छे नहीं और उसकी प्राइस भी ज़्यादा है। सैमसंग क्योंकि मार्केट की तरफ काफ़ी इन है, नॉर्मली जितने भी स्मार्टफोन देखे जाएँ हमें 30,000 की रेंज में मिनिमम जो 4GB और 32GB रोम मिलती है, लेकिन सैमसंग का कोई ऐसा फ़ोन नहीं था कि जो इस प्राइस रेंज में फॉल करता था, जिसकी रैम भी बहुत अच्छी और रोम भी बहुत अच्छी हो। तो सैमसंग ने अपना J7 मैक्स लॉन्च किया है 32,000 की रेंज के अंदर। जब से जो पिछली डिवाइस है उसकी स्पेक्स भी कम है, उसकी जो प्राइस है वो 37,000 है, लेकिन अब डे बाई डे कस्टमर मेच्योर होता जा रहा है, उसको पता होता है कि यार मुझे मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए। अब ऑटोमेटिकली कस्टमर स्विच होगा अपने J7 मैक्स की तरफ। लेकिन अगर हम स्पेक्स में कंपैरिजन किए जाएँ, कुछ स्पेक्स J7 प्रो के अच्छे हैं, कुछ J7 मैक्स के अंदर हैं। अगर हम प्रोसेसर की बात की जाए तो J7 मैक्स के अंदर मीडियाटेक P20 का चिप लगी हुई है, जबकि वहाँ पर दूसरी तरफ कंपेयर करें तो वो एक्सिनोस की चिप है, जबकि वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और यहाँ हमें TFT डिस्प्ले मिलता है, यानी कि जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है बहुत अच्छी क्वालिटी का है। अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं तो हम वहाँ हमें 5.5 मिलता है, जबकि J7 मैक्स के अंदर हमें 5.7 डिस्प्ले मिलता है। अगर बैटरी की कंपैरिजन किया जाए तो हमें बैटरी J7 प्रो के अंदर हमें 3600 mAh मिलती है, जबकि अगर हम J7 मैक्स की बात करें तो हमें 3300 mAh मिलती है। सर रिजवान, आप हमें ये बताएं कि इससे सैमसंग की मार्केट इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जैसे अगर हम देखें कि J7 प्रो जो है उसकी प्राइस भी ज़्यादा है और फीचर्स उसके इतने अच्छे नहीं हैं, जबकि मैक्स के फीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और प्राइस भी इन्होंने कम रखी है, जो कि वैसे अच्छी है, अट्रैक्टिव है व्यूअर्स के लिए, अच्छा है जो सैमसंग लवर्स हैं। अगर एक कस्टमर को बैटरी अच्छी चाहिए, एक कम्पैक्ट साइज़ चाहिए और इसको अपना एक्सिनोस प्रोसेसर चाहिए तो वो ऑब्वियसली J7 प्रो की तरफ जाएगा। अगर हम J7 मैक्स की बात करें तो इसमें वो कस्टमर कि जिनको गेमिंग करनी है या जिनको फास्ट चाहिए, जिनको रैम ज़्यादा मैटर करती है, जिनको हमें डिस्प्ले बड़ा चाहिए, ऐसे कस्टमर को डिस्प्ले बड़ा चाहिए, मुझे रैम चाहिए, तो हम ऑब्वियसली उसको J7 मैक्स रिकमेंड करेंगे, उसको हम J7 प्रो रिकमेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डिस्प्ले हमें 5.7 मिलता है, प्लस में 4GB रैम है और रोम तो दोनों की सेम है, 32GB है। प्राइस में अगर देखा जाए 37,000 J7 प्रो की प्राइस है, जबकि J7 मैक्स की 32,000 की प्राइस है, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा कस्टमर लिए कन्फ्यूजन तो होगी, लेकिन रिक्वायरमेंट्स की फॉल करती है, वो J7 प्रो लेगा, अगर उसको रैम चाहिए तो वो J7 मैक्स की तरफ जाएगा। रिजवान, आप J7 मैक्स के थोड़े से जो मेन इसके फीचर्स हैं उनको थोड़ा हाईलाइट करें प्लीज़। कुछ ऐसे फ़ोन हैं कि जो सैमसंग के डिस्प्ले में अभी तक इतना बड़ा डिस्प्ले नहीं आया जे सीरीज़ में, लेकिन ये वाहिद फ़ोन है इसके 5.7 डिस्प्ले है, TFT डिस्प्ले है और 1080p डिस्प्ले के साथ है, फुल HD डिस्प्ले है, और दोनों इसके सिक्योरिटी अनलॉक हैं, प्लस फिंगर सेंसर है, और वाहिद जे सीरीज़ का फ़ोन है जिसके अंदर हमें फेशियल अनलॉक भी मिलता है। तो अगर हम बकिया स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें थोड़ी एक एक्स्ट्रा चीज़ ऑप्शन में ऐड की जा रही है, जो फर्स्ट टाइम जे सीरीज़ के अंदर लॉन्च की गई है, वो इसका स्मार्ट ग्लो है। नॉर्मली हम चाहते हैं कि यार जो नोटिफिकेशन लाइट्स हैं, अगर हम क्लास में बैठे हुए हैं या हम एक ऑफिस में बैठे हुए हैं या मीटिंग में बैठे हुए हैं तो हमें फ़ोन हमारा साइलेंट होना चाहिए, जैसे हम उसके एक नोटिफिकेशन लाइट की वजह से हम उसको पहचान पाएँ कि क्या हमारी बैटरी लो है या मेरी फ़ोन की मेमोरी फुल हो चुकी है या उसकी परसेंटेज कितनी है, तो मैं उसमें क्या उसमें ग्लो करूँ कि उसमें मुझे पता चले कि मेरे फ़ोन में मेमोरी कितनी हो चुकी है। हाँ, और प्लस ये है कि जितनी कॉल्स होती हैं, SMS होते हैं, जितने अलर्ट्स होते हैं, तो हम उसको अपने स्मार्ट ग्लो के थ्रू मैं डिफ़ाइन कर पाऊँ कि मुझे अब किसकी कॉल आ रही है, कि मैंने उठानी या नहीं उठानी, मुझे स्मार्ट ग्लो से पता चले। और प्लस इसमें एक स्नूप होता है, पिक्चर स्नूप होता है, आप अपने दोस्त को देते हैं, यार ये हमने कल पिक्चर ली थी पार्टी की तो ये अब देख लो, तो मैं उस पिक्चर पर एक जो कैमरा असिस्टेंट होता है जो सिर्फ इसके अंदर जिसमें मैक्स के अंदर है कि वो पिक्चर मैं हाईलाइट करूँगा और मैं उसको हैंड ओवर कर दूँगा,
जैसे ही वो पिक्चर देख चुकेगा, अगर नेक्स्ट पिक्चर की जाएगा तो उसमें जो मैं एक लाइट ब्लिंक करूँगा तो मेरी नज़र आ जाएगी यार ये मेरी उस पिक्चर्स के अलावा वो पिक्चर देख रहा है। तो ये एक स्नूप है कि जो हम उसमें एक स्मार्ट ग्लो के थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन के थ्रू आप सेपरेटली हर चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि आपका मैसेज आ रहा है या आपकी कॉल आ रही है या आपकी बैटरी लो है। तो ये एक व्यूवर्स को भी चीज क्लियर हो जाएगी, मेरे लिए भी एक न्यू चीज है, दैट्स वेरी गुड। मतलब इसके कैमरास के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कैमरास कितने अच्छे हैं, क्योंकि दोनों ही आई थिंक 13 मेगापिक्सल है रियर एंड फ्रंट कैमरा। लेकिन अगर हम बैक कैमरे की तरफ जाएं तो उसका जो फोकल वैल्यू है जिसको हम अपर्चर कहते हैं वो 1.7 है। तो उसको वहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि नॉर्मली देखते हैं कि यार अगर नॉर्मल पिक्चर तो हमारी बहुत अच्छी आती है, लेकिन लो लाइट में कितनी अच्छी पिक्चर होती है। जितना अपर्चर की फोकल वैल्यू कम होगी उतना उसका लो लाइट विजन बहुत अच्छा होगा, पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी देगी। तो उसका जो बैक कैमरा 1.7 के साथ है और जबकि जो फ्रंट है 1.9 फोकल वैल्यू अपर्चर के साथ है। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक कन्फ्यूजन है प्रोसेसर के हवाले से। नॉर्मली कस्टमर जो डिमांड करते हैं कि हमें एक्सिनो सही, लेकिन अब थोड़ा सैमसंग थोड़ा हट के प्रोसेसर बनाया, इसको मीडियाटेक कहते हैं, जो 2.4 ऑक्टाकोर के साथ है और P20 सीरीज़ की स्मार्ट चिप इसमें लगाई गई है। नॉर्मली जितने भी हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसमें जो सिंपल DDR रैम होती है, ये LPDDR3 रैम है कि जो कम कंज्यूमिंग बैटरी कंज्यूमिंग पे एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। नॉर्मली अगर हम दूसरे सैमसंग फोन देखें जे तो वो एक्सिनोस के आते हैं, नॉर्मली मीडियाटेक की परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं समझी जाती, लेकिन उन्होंने वहाँ पे उसको कवर करने के लिए उसमें 4GB रैम दी गई है और वो भी LPDDR3 है, जबकि उसमें जो प्रोसेसर के साथ रैम भी रिक्वायर्ड होती है कि उसकी परफॉर्मेंस में, गेमिंग में, हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर उसमें रैम नॉर्मल होगी या नॉर्मल क्वालिटी की होगी या रैम कम होगी तो प्रोसेसर वहाँ पे नहीं करता। अगर प्रोसेसर आपका बहुत अच्छा है जबकि रैम आपकी कम है तो वहाँ पर वो परफॉर्मेंस नहीं होती। दोनों का कंपेरिजन कंपेटिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस मोबाइल में कंपेटिबिलिटी है, यानी कि इससे आपकी गेमिंग कोई इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली हमें व्यूज़ में लोग बता रहे होते हैं कि जी मीडिया टेक की चिप है तो अच्छा नहीं है। लेकिन आपको इस हमारे एक्सपर्ट ने पूरी क्लैरिटी से बताया है कि किस तरह से ये कंपेटिबल होंगी, तो आपकी जितनी प्रोसेसिंग स्पीड है वो अच्छी होगी, आपकी गेमिंग की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसके साथ साथ बाकी जितने भी इसमें सिस्टम्स हैं या डाउनलोडिंग्स हैं उन पे भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। व्यूअर्स, एज आई एम ऑलवेज सैमसंग फैन और मुझे हमेशा से सैमसंग की डिवाइसेस बहुत पसंद हैं, बट नाउ चॉइस इज़ योर्स, नाउ अप टू यू, आपको जो भी डिवाइस लेनी है वो आपकी चॉइस है, बिकॉज हमारा काम है आपको इन्फॉर्म करना, आपको अवेयर करना तमाम डिवाइसेस से। इसी तरह नेक्स्ट टाइम आएंगे किसी और डिवाइस के साथ, टिल दैट टेक केयर। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरियस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इफ यू लाइक द प्रोग्राम जस्ट डू थम्स अप।